हेलो दोस्तों, आज आपको यकीन हो जाएगा कि आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ चीजें आपको दोबारा देखनी होंगी। गायब होती मूर्तियां, एक पेपर ड्रैगन जो अपना सिर ला सकता है, और ऐसी बॉल्स जो ढलान से नीचे के बजाय ऊपर जा रही है। दिमाग को हिला देने वाले ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर आप इस आर्ट को समझना चाहते हैं तो इसे एक स्पेसिफिक एंगल से देखना होगा। बाय द वे, ये सिर्फ पॉइंट्स से ही नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, आप लटकते हुए गोल्डन बूट से एक खिलाड़ी का फिगर भी बना सकते हो। और इसे देखिए, यहाँ नंबर 24 बनाया गया है। ये बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट की याद में बनाया गया है, जो हाल ही में एक प्लेन क्रैश में मारा गया था, और ये सारी उसी की तस्वीरें हैं। अब आपके लिए एक सवाल, क्या बता सकते हैं कि यहाँ कितने सीट्स फेक हैं? आपका समय शुरू होता है। क्या आपने सही अंदाजा लगाया था? खैर, आप इसका जवाब तो यकीनन दे पाओगे। हम आपको यहां भी कुछ सेकंड्स देने वाले हैं। अब ये मत कहना कि आप यहां भी गलत ही हो गए। चलिए एक लास्ट ट्राई करते हैं, गौर से देखिए। अफसर होने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये वाकई मुश्किल था। जिस जीनियस ने इसे बनाया, उसने बॉल पर अपनी रिफ्लेक्शन भी पेंट की थी। क्या आप किसी कमर्शियल को बार बार देखना पसंद करते हैं? सच कहें तो शायद ही कोई करता होगा, लेकिन होंडा ने ऐसा कमर्शियल बना लिया है। इसमें इतने सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं कि आप इसे लगातार बार बार देखते रहने पर भी समझ नहीं पाओगे कि कैसे काम करता है ये। इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, कुछ ही देर में आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन लड़की अपने हाथ और मुंह पर पेंट कर रही है, लेकिन जैसे ही वो कुछ ब्राउन स्पॉट्स पेंट करती है तो ये किसी जिराफ की तरह लगने लगता है। आखिर में लड़की अपने चेहरे पर भी यही पैटर्न बनाती है, और एक ऐसा इल्यूजन तैयार हो जाता है जो आपकी नींद हराम कर देगा। इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है? ये तो एक साधारण कुर्सी है, लेकिन फिर एक व्यक्ति वहां आता है, और अब ये कुर्सी उतनी साधारण नहीं लगती। बेनोइट कॉनवर्स नामक एक फ्रेंच आर्टिस्ट ऐसे असामान्य इल्यूजन्स बनाते हैं। लगता है वो इंसानी दिमाग को कंफ्यूज करना अच्छी तरह जानते हैं। लगता है डिब्बा लंबे समय से यहाँ खड़ा है, क्योंकि इस पर काफी कलरफुल ग्रेविटी बनाई गई है। लेकिन ये कोई असली ट्रेन नहीं, बल्कि एक छोटा सा घर है जिसे एक अनुभवी स्ट्रीट आर्टिस्ट ने बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन से सजाया। अगर हम किसी नुकीली चीज से इन बलून में छेद करेंगे तो ये तुरंत फट जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्हें 3D ग्राफिटी प्रोफेशनल ने बनाया है। इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के मास्टरपीस को देखकर आपको खट्टी कैंडीज की याद आ जाएगी। और इस वीडियो को रेगुलर टूथ ब्रशिंग प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन खूबसूरत स्कल्पचर्स को स्टील प्लेट्स जोड़कर बनाया गया दोस्तों। जब आप इन्हें अलग अलग एंगल से देखोगे तो बिल्कुल खायब हो जाएंगे। जब भी आप अपनी जगह बदलोगे, आप इन स्कल्पचर्स का नया रूप देख पाएंगे। अब ये मत कहना कि चश्मा भी नकली है, लेकिन अगर हम आपको दिखाएं कि इसे कैसे बनाया गया था, तब आप कन्विंस हो जाओगे। अगर आप अंत में पेपर के टुकड़े कर दें, तो आपके दर्शक सचमुच हैरान हो जाएंगे। और एक बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन, देखिए इसे कैसे बनाया होगा। सब कुछ बेहद सिंपल लग रहा है नहीं, लेकिन हम शर्त लगा सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे। क्या आप भी ये तरबूज खाना चाहते हैं, लेकिन इस बार भी आपके हाथ नहीं आने वाला? सब नजरों का धोखा है भैया। अगर आप एक शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन बनाना चाहते हैं, तो आपको जापान के कोचिची सुगिहारा की तरह एक मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा। उन्होंने एक कुर्सी बनाई है जो असल में एक कुर्सी भी नहीं, बल्कि किसी तरह का एलियन फर्नीचर लगता है। और उनके इस निर्माण का क्या कहो गया, जो आईने में कुछ और दिखता है और असलियत में कुछ और है। क्या किसी घड़ी का बोरिंग कमर्शियल है? बिल्कुल नहीं, आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है भाई साहब। दरअसल ये कई लेयर्स में बनाया हुआ एक जाइगेंटिक इंस्टॉलेशन है, जो साइड से बिल्कुल अलग दिखता है।
इसके हर हिस्से को सीलिंग पर लटकाया गया है और इस तरह ये लाजवाब आर्ट बनाया गया भाई साहब। जॉन मुंटी नामक एक आर्टिस्ट साइंस की मदद से कुछ बेहतरीन स्कल्पचर्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज में द बीटल्स के चारों मेंबर्स के पोर्ट्रेट्स हैं। हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ऐसे मास्टरपीसेस बनाने के लिए कितने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ते होंगे। अगर आप चीजों को सही जगह पर रख पाओ तो आप बिखरे हुए सामान से भी एक पेंटिंग बना सकते हो। अगली बार जब कोई आपके कमरे को गंदा कहे तो उन्हें वीडियो दिखा देना। हम सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे किया गया, लेकिन हम यहाँ कुछ मिस कर रहे हैं। क्या आप गेस कर पाओगे? बिल्कुल सही, इन दोनों पिक्चर्स को जोड़ने वाली लाइन। बट दैट्स नॉट ऑल, जिस लड़के ने ये फोटो कोलाज बनाया है वो कुछ बेहतरीन वीडियोस भी बनाता है। इस कार को देखिए जो फ्रेम से निकल कर एक पटाखे में बदल जाती है, या फिर सोर्स कैन से निकलने वाली आग, और यहां देखिए इस कॉन्क्रीट मिक्सर में क्या डाला जा रहा है। साथ ही शैंपेन बॉटल से निकलने वाले पार्टी ब्लोअर के बारे में आप क्या कहोगे? ये व्यक्ति जरूर दिन भर जिम में मेहनत करता होगा। रुको, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके पेट के साइड में ये व्हाइट स्ट्राइप्स क्यों हैं? ओह अच्छा, ये एब्स असली नहीं बल्कि पेंट की गई है। दरअसल इस व्यक्ति की बेटी एक मेकअप आर्टिस्ट है जो कुछ घंटों के लिए अपने पिता को उनकी ड्रीम बॉडी देना चाहती थी। आप भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन बना सकते हैं। ये रहा एक सिंपल आइडिया, अपने दोस्तों को इकट्ठा कीजिए, एक प्रिंगल्स का कैन खरीदिए, दोस्तों को थोड़ा दूर जाने के लिए कहिए और टिकटॉक के लिए वायरल वीडियो तैयार हो जाएगा। क्या ये चीज अंदर की तरफ फंस गई है? जी नहीं, आप एक ऐसा पिरामिड देख रहे हैं जो आपके दिमाग को चकमा दे सकता है, लेकिन इस ट्रिक को समझने के बाद भी आप इसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। क्या ये कंप्यूटर पर बनाया गया कोई 3D स्पेस मॉडल है? नहीं, दरअसल ये सामान्य होटल के हॉलवे हैं। शायद ये होटल्स उन लोगों के लिए है जो ड्रिंक नहीं करते। जब आप इन लोगों को इस कारपेट पर अपना करतब करते देखोगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। जाहिर है इनकी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल परफेक्ट है। रात के समय चोरी छिपे खाने वालों को रोकने का ये बेहतरीन तरीका है। आपको बस बेडरूम और किचन के बीच ऐसा बैरियर लगाना होगा। क्या आपको लगा ये असली है? अब आपके सामने 20 चमकते हुए ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। क्या आपको इसमें कोई लॉजिक नजर आ रहा है? जी हाँ, हमें भी लगा कि ये सब रैंडम है, लेकिन जैसे ही आप इसे एक एंगल से देखोगे तो ये शेप्स एक शब्द में बदल जाते हैं जो है लाइट। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, अगर आप इसके पीछे देखोगे तो आपको डार्क शब्द नजर आएगा और इस तरफ कोई इल्यूमिनेशन भी नहीं होगा। नहीं, इस बार आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही है। यहाँ सचमुच एक भालू सीलिंग पर चल रहा है, लेकिन ये एक इंटरैक्टिव सीलिंग है जो चाइना के गुयांग शहर में लगाई गई है। यहाँ आप जंगली जानवर, कुछ बड़े शिकारी और पानी के जीव देख सकते हैं। डरिए नहीं, ये आपके सिर पर नहीं गिरेगा। अरे ये तो ग्रेविटी के नियमों के खिलाफ है भैया, ये बॉल ऊपर की तरफ कैसे जा रही है? इसका जवाब काफी आसान है, यहाँ कोई स्लोप नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। कुछ लोग इसे देखकर नारुतो के डियाडारा के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन इस इल्यूजन के पीछे बेहतरीन मेकअप का हाथ है। वैसे आप एक आंख भी बना सकते हैं। क्या ये चीज सचमुच 3D है? जी नहीं, ये भी एक शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन है दोस्तों। ये डिस्क पूरी तरह फ्लैट है, लेकिन जब आप इसे घुमाते हैं तब एक 3D जियोमेट्रिक पैटर्न तैयार हो जाता है। अब ऐसा कैसे समझाओगे? दरअसल इस सीलिंग पर एक आईना लग गया है जिसकी वजह से ये सीढ़ियां दोगुना लंबी नजर आती हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको ये इल्यूजन समझ में आया? लगता है ये आप ही को देख रहा है। आप जहां भी जाओगे ये आप ही की ओर देखता रहेगा।
मिलिए गार्डनर ड्रैगन से, दुनिया का सबसे मशहूर ऑप्टिकल इल्यूजन। वैसे आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इंटरनेट पर आपको इसके कई कटआउट मिल जाएंगे, आपको सिर्फ इसे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कट करके फोल्ड करना है और आपका अपना क्रीपी पीस तैयार हो जाएगा। एक और बात, अगर आप इसे रोशनी के आगे रखोगे तो ये और भी असली लगेगा। ए, आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य, आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।